घर बबू सादी जरा ये ना जी पानी ये चोई है गैरमों को चोई है इन्होंने पानी साल तो रोकया होया सारे पिंड का रास्ता है स्कूल के बच्चे होर सारे शमशान घाट में भी सारे डेड बॉडीज वगैरह लेके जाते जी ये सारा बहुत चिर तो इन्होंने साल तो सारा पिंड परेशान है जी असी एस डी एम साहब को भी साड़ा केस गया जी तहसीलदार साहब ने भी मौका देखा कानू वो भी आया जी मौके पर गैरमंग चोई है पर हल नहीं कोई भी निकलिया जी अखीर में पिंड के लोगों ने अच्छ धरना दिता जी ये सारे असी आगे इकट्ठे हो गए साड़ी कोशिश है भी असी पानी निकल जाए जी किसी ना किसी तरह एस डी एम साहब भी कहते जी मौका देखने को आए ही नहीं पर गांव का ये रास्ता है और इसके आगे पहले पानी जो है यहीं से निकलता था बारिश का पानी पूरा यहीं से आ रहा है लेकिन आगे जगह मालिकों की होने के कारण उन्होंने इसको बंद कर दिया हुआ है और अब एक साल से लगभग एक साल से यहां पे पानी खड़ा हुआ है और इसकी वजह से गांव के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और बुज़ुर्गों को भी प्रॉब्लम आ रही है स्कूल के लिए बच्चे इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार तो बच्चों के कपड़े जूते बीच में ही रह गए यहाँ पर पानी के बीच में और पानी की वजह से बीच में कोई सांप बिच्छू होने का भी डर है तो ये बड़ा खतरा बना हुआ है इसका।